नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद चौंपोन। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिख समाज के दबाव के बाद पुलिस आई हरकत में, मनप्रीत सिंह हत्याकांड से जुड़े चार आरोपी पिस्टल के साथ पकड़ाए। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की जनसभा, दिखाई एकजुटता। निर्धन छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित, विभिन्न छात्र संगठनों ने फूंका बिगुल। जुगसलाई में स्कूली छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले बुजुर्ग को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। और बीरबल की खिचड़ी बन चुके धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का उपायुक्त विजय यादव ने किया निरीक्षण, फिर से उम्मीदें बढ़ी। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। सिख समाज के दबाव के बाद मनप्रीत पाल सिंह हत्याकांड में लिप्त चार आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई है और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पिस्टल को भी एक झाड़ी से बरामद कर लिया है। पुलिस ने सितगोड़ा शिव सिंह बागान पोस्ट ऑफिस रोड निवासी मनप्रीत पाल सिंह ढिल्लो हत्याकांड मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त राहुल सिंह, गौरव कुमार गुप्ता, अक्षय सिंह व नवीन सिंह को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी पूरन चौधरी समेत अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी जारी है। परिजन व सिख समाज जिला पुलिस को दो टूक कह चुके हैं कि हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद ही शव उठाएंगे। गुरुवार में दिन में एसपी ने 24 घंटे परिजनों से मांगा था, इसके बाद ही हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई। सिटी एसपी के विजय शंकर के नेतृत्व में अलग अलग टीम अभी भी छापामारी कर रही है, इसमें आधा दर्जन थाना प्रभारियों को भी लगाया गया है। घटना के अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त राहुल के पिता कालिका सिंह, उनकी मां और अन्य आरोपियों के परिजनों को हिरासत में लिया था। 8 जून को अग्रिको पोस्ट ऑफिस के समीप सितगोड़ा थाना के अंतर्गत एक मनप्रीत पाल सिंह करके व्यक्ति के कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस कांड को उद्भेदन हेतु और संबंधित अक्ष को गिरफ्तारी हेतु एसपी सिटी के नेतृत्व में एक हम लोग एसएटी का गठन किया है। उस एसएटी के द्वारा अच्छे काम करते हुए 48 घंटे के अंदर जो इस घटना में शामिल 5 एफआईआर एक्यूस्ट में से 4 एफआईआर एक्यूस्ट को अरेस्ट करने में सफल रहे। इधर शहर में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक जनसभा के जरिए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की अविलंब गिरफ्तारी की मांग उठाई। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट द्वारा आयोजित सभा में हजारों की संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए। मानगो गांधी मैदान में ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट और तंजीम अहले सुन्नत व जमात के द्वारा नवीन जिंदल एवं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए। मानगो के गांधी मैदान में मौजूद सभी लोग भाजपा से निष्कासित नवीन जिंदल एवं नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जो लगातार अनाप शनाप आपत्तिजनक जो बयानबाजी की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। अन्य कई विषय को लेकर के साथ ही साथ जो हिंदुस्तान की एक दूसरी बड़ी आबादी है उसके साथ में जो नाइंसाफी हो रही है, हमारे लोगों पर झूठा मुकदमा करके जो महीनों महीनों जेलों में रखा जाता है, ये एक समाज और एक खास वर्ग के साथ नाइंसाफी है। इन सारे विषय को लेकर के आज का ये सभा था और हमारी मांग थी कि जो हमारे आका के शान में गुस्ताखी किया है उसकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद राजधानी रांची में हिंसक झड़प के मद्देनजर जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। शनिवार को शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बहाल रखने की अपील की है। शनिवार को जमशेदपुर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया एवं लोगों से शांति बहाल रखने की अपील की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पटमदा डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि मानगो एवं आजाद नगर थाना क्षेत्र में विशेष चौकसी बरती जा रही है, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न घटे इसको देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसके माध्यम से लोगों से शांति बहाल रखने की अपील की जा रही है, साथ ही सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रम पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है।
लोगों से शांति संयम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। और कहाँ कहाँ फ्लैग मार्च किया जा रहा है? मानो और आजाद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत। अभी क्या स्थिति लग रही है आपको, शांतिपूर्ण है सब तरफ? सभी शांतिपूर्ण है। राज्य के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे निर्धन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर अलग अलग छात्र संगठन आंदोलनरत है। शनिवार को AIDSO ने भी उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। विभिन्न कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे निर्धन तबके के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर अलग अलग छात्र संगठन आंदोलित है। शनिवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से AIDSO के नगर अध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि सरकार की लापरवाही और उदासीन रवैये के कारण छात्रवृत्ति के लिए आवंटित करोड़ों रुपयों का फंड वापस चला गया है, जिससे पूरे राज्य के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। AIDSO की ओर से जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों से छात्र छात्राएं डीसी से मिलने आए। विगत दो साल से जो है छात्रवृत्ति का फॉर्म जो छात्र छात्राएं अप्लाई किए हैं, किन्हीं किन्हीं का जो है DA अप्रूव, उसके बाद DW अप्रूव में रोक दिया गया है और कॉलेज की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है फीस के लिए। तो उधर जुगसलाई थाना अंतर्गत गर्ल्स स्कूल रोड के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा छात्राओं के साथ गलत हरकत करने और अश्लील वीडियो दिखाने का मामला प्रकाश में आया है। छात्राओं की शिकायत पर उस व्यक्ति को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। जुगसलाई थाना अंतर्गत गर्ल्स स्कूल रोड के पास 45 वर्षीय व्यक्ति द्वारा नाबालिग स्कूल की छात्राओं को अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई, जहां रास्ता रोककर स्कूल की छात्राओं को आपत्तिजनक वीडियो दिखाने वाले शख्स को स्कूल प्रबंधन की तत्परता और स्थानीय लोगों की तत्परता से थर दबोचा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। जुगसलाई ग्वालापाट निवासी 45 वर्षीय रियाज अली नाम का व्यक्ति रोजाना स्कूल के पास खड़ा होकर नाबालिग छात्राओं को अपनी हवस का शिकार बनाने की घिनौनी हरकत करने की कोशिश किया करता था। आज स्कूल के पास खड़े होकर गर्ल्स स्कूल्स में आ रही नाबालिग छात्राओं को रोककर उसने आपत्तिजनक वीडियो दिखाई। किसी तरह छात्राएं भाग खड़ी हुई और सीधे स्कूल जाकर इसकी शिकायत की। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम है चंदन जसवाल, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मुझे जो घटना घटी है, बच्चों के साथ घटना घटी है और बहुत छोटी लड़कियाँ हैं, 11 साल की है, कोई 10 साल की है। और जैसे ही इसे थाना में लाया गया, मुझे तुरंत फ़ोन किया गया कि बच्चों के साथ अश्लील हरकत किया गया है, एक 45 साल का व्यक्ति है। और मैं तुरंत दौड़ के आई और जब मुझे पता चला कि लड़कियों को बहुत दिन से वो पीछा कर रहे थे और एक लड़की को तो उसने हाथ भी टान के खींचने की भी कोशिश किया गया था। और आज के दिन मैं हद ही हो गया कि दो बच्ची थी, उन्होंने बोला कि दीदी हमें ऐसा टान लिया गया और उसने बहुत अश्लील वीडियो हमें दिखाया गया। और इस दौरान ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण बीरबल की खिचड़ी बनता जा रहा है। पूर्व CM रघुवर दास ने 2018 में इसकी आधारशिला रखी थी, पर विभिन्न कारणों से मामला लटका रहा। इधर उपायुक्त विजय जाधव ने शनिवार को एयरपोर्ट स्थल का जायजा लिया तो एक बार फिर से लोगों की उम्मीदें जग गई। ढालभूमगढ़ प्रखंड स्थित एकमात्र हवाई अड्डा का निर्माण कार्य काफी दिनों से लटका पड़ा है। हालांकि एयरपोर्ट कब शुरू होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बार फिर अब एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के उपायुक्त विजय जाधव जहां ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने पूरे एयरपोर्ट का जायजा लिया, वहीं 2.83 किलोमीटर रनवे को उन्होंने देखा। आपको याद दिला दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था। वैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने को लेकर झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आधारशिला रखी थी और वह भी आधारशिला 2018 में रखी गई थी। वहीं उन्होंने एयरपोर्ट से सटे देवस्थान काला पाथर का भी निरीक्षण किया और कहा कि देवी स्थान इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, आज मैंने देखा और एयरपोर्ट निर्माण में जो भी अड़चने आएंगी लोगों के साथ बैठकर इसका निर्णय लिया जाएगा। ढालभूमगढ़ एयर स्ट्रिप आप सब लोग जानते हैं, काफ़ी पुरानी एयर स्ट्रिप है और इसके डेवलपमेंट के लिए सरकार से प्रयास जारी है। तो आज हम ऐसे देखने के लिए आ गए कि क्या एक्चुअल एरिया है, कितना NH से दूर है, और DFO मैडम भी आई हुई है तो एक जायज़ा लेने के लिए आए थे कि एक्चुअल एरिया क्या है और इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ दूर फैला हुआ है। तो जनरल विजिट था, सब स्पेसिफिक नहीं था। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को आयकर विभाग द्वारा शहर में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है।
इसको लेकर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर में शनिवार को आयकर विभाग द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, प्रधान आयकर आयुक्त सीसी धमीजा ने शिरकत की। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आयकर विभाग के उक्त कार्यक्रम की सराहना करते हुए देशवासियों को आज़ादी की अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के पीछे का उद्देश्य भावी पीढ़ी को देश के बलिदानियों के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 5 बिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये कार्यक्रम उसी लक्ष्य का एक हिस्सा है। वहीं जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने देश की आर्थिक प्रगति में आयकर विभाग की भूमिका को अतुलनीय बताया। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग लगातार देश की सेवा में और $5 बिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। यही कारण है कि देश आज विकास के पथ पर अग्रसर है। होकर समर्पित होकर इस देश के उन सपनों को पूरा करने के लिए और जो हमारी आदिकाल की विरासत रही है उसको संरक्षण संवर्धन करते हुए प्रगति का नया आयाम जोड़ें और हमें स्वयं में गर्व महसूस होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो आहुति दी है उस आहुति को हमने पूरा करने में अपना योगदान दिया। की आज़ादी की लड़ाई में किस तरह शुरुआत हुआ, कब शुरू हुआ, शायद उस समय जब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जैसे संतों ने पराधीन सपना हो सुख नहीं, पराधीन एक ऐसा चीज है जो सपने में भी सुख नहीं मिलता है, ऐसे महान संतों का उद्घोष के द्वारा ही हमारे भीतर की स्वाभिमान को स्वतंत्र को जगाने का काम किया। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग खनन विभाग है और सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग भी, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस विभाग का अपना एक अदद कार्यालय भी नहीं है और भवन इतना जर्जर है कि एक बारगी तो भूत बंगले का एहसास कराता है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग खनन विभाग है। हाल ही में राज्य की निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल, उनके अकाउंटेंट व रिश्तेदारों के घर से ईडी ने करोड़ों नकदी सहित अकूत संपत्ति का खुलासा किया है, जिस पर जांच चल रही है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग और सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले खनन विभाग का कार्यालय भी खास होना चाहिए, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राज्य में एक ऐसा जिला भी है जहाँ के सबसे महत्वपूर्ण विभाग और सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभाग का अपना भवन तक नहीं है। भवन अगर है भी तो खंडहर की हालत में है, जहाँ अधिकारी तो बैठते ही नहीं, कर्मचारी नौकरी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करते हैं, मगर उनकी जान हमेशा जोखिम में रहती है। हम बात कर रहे हैं सरायकेला खरसवा जिला खनन विभाग का। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हालांकि यहां के अधिकारी भी ईडी की जांच के दायरे में है और इन पर विभागीय जांच भी चल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक इस कार्यालय को एक भवन भी नसीब नहीं हो पाया है। यहां काम करने वाले कर्मचारी बलराम महतो ने बताया कि ये कार्यालय पहले मेसो ऑफिस था। साल 2008 में इसे खनन विभाग को हस्तांतरित किया गया, तब से लेकर आज तक विभाग इसी कार्यालय से संचालित होता रहा है। आज तक न रिपेयरिंग हुआ, ना ही इसके जीर्णोद्धार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं। लिपि के हैं, प्रमोशन नहीं हुआ है। हम लोग तो बड़ा मैंने दुर्घटनाग्रस्त होने लायक में काम कर रहे हैं, हम लोग आवंटित नहीं हो रहा है। ये बिल्डिंग पहले मेसो ऑफिस चलता था,
और जब यहाँ जब ऑफिस शिफ्ट हुआ 2008 में, उस समय से यही चल रहा है काम। बहुत रिपेयरिंग भी हम लोग करवाए हैं, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक है। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल प्रखंड मुख्यालय में विधिक जागरूकता सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक न्याय की किरण पहुंचाना और सभी लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल प्रखंड मुख्यालय में विधिक जागरूकता सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। एडीजे वन अमित शिखर एवं बीडीओ मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में कार्यक्रम के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए अंतिम व्यक्ति तक न्याय की किरण पहुंचाने एवं वंचित लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीजे वन अमित शिखर ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को न्यायालय के प्रति जागरूक करना है, योजनाओं से वंचित लाभुकों को योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करना है। हमारे प्रखंड में विधिक सजागता शिविर का आयोजन किया गया था। इस विधिक सजागता शिविर में हमारे माननीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे वन शेखर सर उपस्थित थे। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य था लोगों को कानून की जानकारी देना, साथ ही साथ हम लोग विभिन्न योजनाओं में जो परिसंपत्ति होता है उसका भी वितरण किया गया। जमशेदपुर के NH-33 पारडी चौक के समीप ईशान ऑटोमोटिव नामक कार डेकोरेटिव सेंटर का उद्घाटन शनिवार को जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। यहां एक ही छत के नीचे कार डेकोरेटिंग के तमाम संसाधन उपलब्ध हैं। जिले के सांसद ने इसका उद्घाटन किया, जिसके बाद पूरे सेंटर का अवलोकन किया, साथ ही ग्राहकों को दिए जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। सेंटर के संचालक ने कहा कि काफ़ी किफ़ायती दर पर यहाँ ग्राहकों को कार डेकोरेटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आप बताइए सर, हमारे जो शॉप है इसका नाम है ईशान ऑटोमोटिव, और यहाँ पे हम लोग फुल्ली आपका जो कार रहेगा उसको कस्टमाइज करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका कार पे अगर आपको PPF करवाना है, PPF मतलब होता है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, जो कि आपका कार को पूरा लैमिनेट करता है। उससे क्या बेनिफिट होगा कि मान लीजिए कोई भी कार रहता है थोड़ा बहुत इधर उधर स्क्रैच लगता है, तो उससे आपका ओरिजिनल पेंट जो रहेगा वो उखड़ेगा नहीं, वो आपको सिर्फ PPF पे हल्का सा असर पड़ेगा। यहाँ पर लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स। छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर, पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन ले और प्रोफेशनल करियर बनाए। 111 सेव लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पारा मेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। 2 ईयर्स जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेस, अस्पताल, कार्डियक कैथ लैब, डायलिसिस, क्रिटिकल केयर जैसे विषयों में प्रशिक्षण और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र इस प्रोफेशनल कैरियर को बनाने में इच्छुक हैं, उनके लिए यह कोर्स काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, अलाइड हेल्थ एजुकेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के सामने, आदित्यपुर 2। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है वन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है,
वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले, एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट विंग, डोरा डोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहां ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहां हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं, यहां हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहरीय स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9113438213। कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें, ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। जहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं, और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीजों को कम एक कीमत पे खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साक्षी, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. Aap rahein swast, tandurust aur fair. Bas yaad rakhein ek hi naam, Elcado Healthcare. Jamshedpur shahar ki hridayasthali Bistapur mein, aapki swasthya suvidhaon ka vishesh khayal rakhne ke uddeshy se, khul gaya hai multi-specialty hospital. जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त
डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। अलकाडो हेल्थकेयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। अलकाडो हेल्थकेयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडियाट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। अलकाडो हेल्थकेयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मय विद्यालय, बिस्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280-44446-47-48-49। हमारा ईमेल आईडी है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.alcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन, आपकी खूबसूरती पर चार चांद लगाने, अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियां, कांच की फैंसी चूड़ियां, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। कुंदन सेट्स, इंडियन एंड वेस्टर्न इयररिंग्स, ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर ए, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271-99046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी, डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071-9031।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। क्रीम रोल, फ्रूट केक, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट, मैरिज एनिवर्सरी केक एंड स्कूल ऑर्डर स्पेशलिस्ट। प्लीज डू विजिट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।